नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आए हुए हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर ओरछा की यात्रा पर, जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ओरछा शहर अपने मंदिरों, महलों और किले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज हम जा रहे हैं ओरछा शहर की छतरियां, जो कि बुंदेलखंड के राजपूत शासकों की समाधियां भी हैं, और ओरछा शहर की यात्रा पर। झांसी रेलवे जंक्शन से ओरछा की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ बाय ट्रेन और बाय रोड पहुँचना बहुत ही आसान है। इसके अलावा खजुराहो एयरपोर्ट से ओरछा की दूरी 175 किलोमीटर है, और ओरछा पहुँचना और ओरछा घूमना बहुत ही कन्वीनियंट है। ओरछा के किले से 1.5 किलोमीटर दूर आने पर हमको दिखाई देता है बेतवा नदी का कंचना घाट, और इसी घाट के ठीक सामने है रॉयल छतरियों का एक समूह। इस समूह में करीब 15 छतरियां हैं, और ये सारी की सारी छतरियां ओरछा के बुंदेलखंड शासकों की समाधियों के रूप में बनाए गए हैं। इन छतरियों में से ज़्यादातर छतरियाँ 17वीं और 18वीं शताब्दियों में निर्माण करवाए गए हैं। वैसे तो इन छतरियों को पूरा दिन कभी भी घूमा जा सकता है, लेकिन अगर शाम के वक्त यहाँ पर घूमा जाए तो यहाँ छतरियों का व्यू सबसे अच्छा आता है। इन छतरियों की टिकट भी हमको किले की टिकट के साथ ही किले में ही मिलती है, जिसको कि सेम डे विज़िट करना होता है। बेतवा नदी पर एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है, अगर ढलते सूरज के साथ उस पुल के ऊपर से इन छतरियों का दीदार किया जाए तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। छतरियों के ठीक सामने हमें बेतवा नदी दिखाई देती है। बेतवा नदी एक प्राचीन नदी है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। यह नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से जाकर मिलती है। ओरछा की बात करें तो ओरछा की खूबसूरती इस नदी की होने की वजह से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मेन रोड से जब हम ओरछा शहर के लिए प्रवेश करते हैं तो ओरछा शहर से पहले हमको काफ़ी सारे प्राचीन दरवाजे दिखाई देते हैं। ये दरवाजे उस जमाने में बुंदेलखंड राजाओं ने ओरछा शहर की सुरक्षा हेतु बनवाए थे। इन दरवाजों को पार करते हुए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक चौराहा दिखाई देता है। चौराहे के एक तरफ राजा राम मंदिर बना हुआ, जो कि ओरछा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ श्री राम को एक भगवान की तरह नहीं जबकि एक राजा की तरह पूजा जाता है। और उसके ठीक सामने हमें प्राचीन पुल के उस पार ओरछा का किला दिखाई देता है। और ये राजा महाराजाओं के जमाने की प्राचीन टकसाल ओरछा स्टेट की, जिसके अंदर सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स को मिंट किया जाता था। Thank you.
राजाराम मंदिर के समीप ही हमें दो मीनारें दिखाई देती है जिनका नाम है सावन और भादव। सावन और भादव हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऋतु वर्षा ऋतु के महीनों के नाम हैं और इसी के नाम पर इन दो मीनारों के नाम पड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल और नेचुरल वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।